नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कमलेश, आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया और गणपति बप्पा मोरिया के साथ मेरे साथ निधि झा जी हैं, आप सबकी चहेती लुलिया। मैं चाहता हूं कि आगे वो सारी बातें करें और गणपति बप्पा के बारे में बताएं अपने बारे में। हेलो निधि। हेलो, पहले तो हमारे सारे दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है और एक बार बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आपका स्वागत है मेरे घर पे, जैसा कि हर साल आते हैं हमारे आनंद भाई और इनके जरिए आप सब मेरे घर पे बापा का दर्शन कर पाते हैं। तो इस साल कैसा लग रहा है आपको आपके घर पे? सो निधि झा लुलिया टर्न्स रिपोर्टर और इन्होंने पत्रकार बनने से सबसे पहले शुरुआत मुझ पे ही हमला बोला, तो मैं कहूँ कि निधि जी बहुत अच्छे लगे गणपति बप्पा और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है, हर साल बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही शानदार होता है, जितना कि इस साल भी लग रहा है। निधि, ये बेसिकली ये इतनी सारी मेहनत ये सब किसने किया? अपना नाम मत बता प्लीज, मैं सब जानना नहीं। मैं हर साल कहती हूँ कि हर साल मेरा भाई डेकोरेशन करते हैं, मेरी फैमिली करती है, मैं क्रेडिट नहीं लेती, बट इस बार मैं बहुत प्राउडली सबको कह रही कि मैंने बनाया है, मैंने डेकोरेशन में 50% पूरा योगदान दिया है, मेरे भाई ने किया ये डेकोरेशन और मैंने किया है। अरे क्या बात है। अच्छा, इतना टाइम मिल जाता है ये डेकोरेशन करने में? आई थिंक बहुत टाइम लगा होगा। नहीं, हम थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि हम तीर मार खाने वाले जो बोलते हैं कि तीर मारने वाले इंसान हैं, हमने ये डेकोरेशन सिर्फ एक दिन में रेडी की है। अरे वाह, तो मैं चाहूंगा कि भैया दिखाएं जरा, ये देखिए डेकोरेशन पूरा एक दिन में, ये पूरी निधि झा की एक दिन की मेहनत है और इनके भाई साहब नीरज जी की भी, और ये पूरा गणपति बप्पा का पंडाल जो आप है ये निधि झा के घर पे आप देख सकते हैं। निधि झा का बेसिकली पूरा परिवार गणपति बप्पा का बहुत भक्त है और निधि जैसी कि पर्दे पर दिखती हैं ग्लैमरस और लुलिया वाला अवतार वैसा घर में बिल्कुल नहीं होता, आप देख सकते हैं पूरी तरह से भारतीय परिधान में बड़ी खूबसूरत लग रही है निधि। और गणपति बप्पा से कुछ मांगा है? बापा से हमेशा बस यही मांगती हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं, मेरा दर्शक, मेरा परिवार, सब सुख रहे, सब खुश रहे, एकता बनी रहे, बस यही बापा से मांगती हूँ। अच्छा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा? अपने लिए बिल्कुल नहीं मांगती हूँ, अपने लिए कभी कभी मांगती हूँ कि बापा मुझे सद्बुद्धि और बुद्धि दीजिए। नहीं, वो तो है, फिल्मों है उनमें बड़ी हिट हो जाए और बहुत सारे अवार्ड मिल जाए, इस बार आपको अवार्ड भी मिल जाए, मिल गया, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए। वेल, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अवार्ड था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, बापा का आशीर्वाद है कि मुझे बेस्ट एक्टर गैंगस्टर दुल्हनिया के लिए मिला है। और गैंगस्टर दुल्हनिया के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत वर्क किया था कि गैंगस्टर कैसे चलती है, गैंगस्टर का एक्शन कैसा होता है, एंड वही आज प्रूफ है कि वो गैंगस्टर को अवार्ड मिल चुका है। सो थैंक यू सो मच आप सबको। तो ये गैंगस्टर दुल्हनिया जिसके लिए अवार्ड मिला निधि झा को, वैसे आपने अभी रिसेंट मूवी की क्रैक फाइटर जी बहुत हिट हुई, क्या कहती है निधि झा अब इस खुशी के बाद? देखिए, खुशी तो ऑब्वियसली होता है क्योंकि इन द हिस्ट्री एवर भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म क्रैक फाइटर है, एंड जिगरा चाहिए इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए, तो मैं हैट्स ऑफ करूंगी हमारे प्रोड्यूसर उपेंद्र भैया को। और बहुत अच्छा लगा कि लोगों का हमेशा, और आप भी मुझसे पूछते थे कि yes. पवन जी और मेरी जोड़ी कब वापस आ रही है, और मैं हमेशा कहते थे कि आएगी तो धमाकेदार एंट्री के साथ ही आएगी, तो हमने आई गेस 2 सालों के बाद एक साथ फिल्में की, हालांकि मैंने बीच में सॉन्ग किया, गेस्ट सॉन्ग किया, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन क्रैक फाइटर से आपने निधि झा को और दुगना प्यार दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा काम करके। तो निधि जी, इतने सालों बाद आपने पवन सिंह के साथ फिल्म की, क्या तब्दीली, क्या बदलाव या क्या बेटरमेंट आपने पवन सिंह में देखी? देखिए, पवन जी में बहुत सारे चेंजेस देखा, सबसे पहले तो मैं उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, पहले वो कैसे दिखते थे और अभी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हैं, एंड हर चीज़ों में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, आपका एक्टिंग तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही करते थे लेकिन अभी वे मच बेटर हुए हैं। सिंगिंग का तो मैं कहीं से मैं जज कर ही नहीं सकती हूँ बिकॉज उनके गले में सरस्वती है, हर चीज़ में चेंजिंग हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चीजें सब, क्या क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, आपने सिंगिंग की बात की, सारी एक्ट्रेसेस आजकल भोजपुरी में बड़ा अलग सा ट्रेंड है, यहाँ पे सिंगर जो है एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर्स जो है एक्ट्रेसेस है वो सिंगर बनना चाहती हैं। निधि झा मुझे नहीं लग रहा है सिंगर बनने के तरफ कुछ हाथ पैर मार रही है, यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग। सी, आई फील जब तक आप किसी चीज में एकदम परफेक्ट ना हो, आपको जल्दी हर चीज में जल्दी या घाय जिसे बोलते हैं कि जल्दी नहीं करना चाहिए, पहले मेहनत कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, तब आपको अगर आपको लगे कि आप वो चीज कर सकते तभी कीजिए, एंड आई फील सिंगिंग के लिए अभी मैं
रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सिंगर तो क्या मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग. और जब मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा बहुत सुरताल जान चुकी हूँ, मुझे गाना चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली सिंग. तो ये आपने सुना मेरे साथ बिंदास भोजपुरिया पे कि भैया निधि झा भी सिंगर बनेंगी, आज नहीं तो कल होगा जरूर, सिंगर तो बनेंगी. स्क्रीन पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ.